हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं गार्लिक यानी लहसुन के बारे में। तो इसको बॉटनिकल नेम अगर देखें तो एलियम सटाइवा होती है और ये एलियम फैमिली यानी ओनियन फैमिली से बिलोंग करती है। तो गार्लिक के अंदर देखें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं, जैसे सल्फर कंपाउंड होते हैं, एलिसिन होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट, इसकी वो सबकी वजह से ये जो है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाती है और एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है, जिससे ये जो है कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसी प्रॉब्लम से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है या हो जाती है वो, तो उससे जो है ठीक कर देती है। तो इस तरीके से लहसुन हमारे बॉडी के लिए कितने बहुत बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब देखते हैं गार्लिक के अंदर ये हाईली न्यूट्रिशन होता है और जो है लो कैलोरी होती है। न्यूट्रिशन में देखें तो मैंगनीज एलिमेंट होता है, विटामिन B6 होती है, विटामिन सी होती है और जो है सिलीनियम एलिमेंट होता है और फाइबर होता है। विटामिन सी होने से जो है ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करती है, कोई तरीके की इन्फेक्शन नहीं होने पाती है। और जो है फाइबर होने की वजह से ये गेस्टो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यानी पेट जैसी संबंधी प्रॉब्लम में, जैसे कॉन्स्टिपेशन है और जो है पूरा पेट का जो ट्रैक होता है उसको नॉर्मल रखती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को नहीं होने देती है, पेट हमारा बिल्कुल से क्लियर होने रहता है। अब देखते हैं इसमें जो है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बहुत ही अच्छा प्ले करती है, बहुत फ़ायदा मिलता है हार्ट अटैक जैसी और ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम में, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये नॉर्मल करता है। तो हार्ट अटैक यानी कोलेस्ट्रॉल जब नॉर्मल रहेगा तो ये हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी और बीपी भी नॉर्मल रहेगा। तो बीपी को अगर जिसको बीपी ज़्यादा रहती है तो उसको इसकी बीपी को नॉर्मल करेगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल में नॉर्मल करेगी, यानी जो लो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, LDL होता है जो, उसको जो है घटाती है, उसको नॉर्मल रखती है और जो ये गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको जो है ये बढ़ाती है। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करके ये हमारी बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी जो हार्ट अटैक और बीपी जैसी परेशानी और स्ट्रोक जैसी परेशानी को हमको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से गार्लिक हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और गार्लिक जो है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। बॉडी में अगर लेड की जो है इम्प्योरिटीज़ हो जा रही हैं, और यानी लेड की इम्प्योरिटी जैसे जो लोग जो है पेंट करने वाले होते हैं, पेंटर होते हैं, उनको उनके अंदर अक्सर लेड की इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं, तो इस तरीके से वो जो है गार्लिक लेड को डिटॉक्सिफाई कर देता है और ब्लड को डिटॉक्सिफाई करके इस तरीके से हमारी बॉडी को बिल्कुल डिजीज से फ्री रखता है। गार्लिक वोमेंस के केस में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है, जैसे जो मीनोपॉज के बाद की स्टेज होती है वो लेडीज़ में, तो वहाँ पे जो है बोन वीक हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम जो होने लगती है, तो बोन्स को हमारे ये स्ट्रॉन्ग रखती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम नहीं होने पाती है। गार्लिक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एलिसिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इसकी वजह से जो बुढ़ापे की प्रॉब्लम होती है जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम होती है, तो अगर गार्लिक हमेशा लेते रहें तो ये प्रॉब्लम नहीं होने पाती है। गार्लिक के अंदर देखें तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, यानी जिन लोगों को कैंसर के हिस्ट्री रहती है, जिनके फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री मिलती है, तो ऐसे लोगों को गार्लिक तो बिल्कुल ही लेना चाहिए, क्योंकि गार्लिक अगर लेते रहेंगे तो जो एंटी कैंसरस एजेंट होते हैं वो ऐसे लोगों में फिर कैंसर डेवलप होने नहीं देते हैं, तो इस तरीके से कैंसर की हमारी भी जो है प्रोटेक्ट करती है। इम्पोटेंसी के केस में भी गार्लिक बहुत ही बेस्ट काम करती है, क्योंकि इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि जो है इम्पोटेंसी में बहुत ही बेस्ट काम करते हैं। अब देखते हैं गार्लिक के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, यानी कहाँ पर गार्लिक नहीं लेना चाहिए, जिन लोगों को गार्लिक की एलर्जी होती है उनको गार्लिक नहीं लेना चाहिए। और गार्लिक के साइड इफ़ेक्ट ये है कि गार्लिक खाने से अक्सर जो है बैड ब्रीथ यानी बैड स्मेल आता है, मुंह से बैड स्मेल आता है, तो अगर ऐसा भी प्रॉब्लम है तो ऐसे लोग ना लें, क्योंकि उनको फिर नहीं सूट कर रही है इसके मतलब। देखते हैं कि गार्लिक किस सीजन में ज़्यादा अच्छा काम करती है और कितना लिया जाए, क्या अमाउंट लिया जाए कि गार्लिक हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो गार्लिक लेने का अच्छा टाइम होता है, क्योंकि गार्लिक की तासीर गर्म होती है और ये विंटर सीजन में यानी ठंडी के सीजन में लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठंडी के सीजन में ज़्यादा इसके बेनिफिट मिलते हैं, गर्मी में ज़्यादा लेंगे तो फिर हम वो जो है गर्म तासीर होती है तो नुकसान करने लगती है। तो इस तरीके से ठंडी में हम 3 से 4 कली जो होती है वो ले सकते हैं, और
गर्मी में एक या दो कली लें। तो इस तरीके से हम लेते रहेंगे तो गार्लिक लेने से ये हमारी बॉडी के लिए टोटल ऑल ओवर बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो गार्लिक के बारे में है, और ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो भी हो आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।